हेलो दोस्तों, नमस्कार। गाड़ी एकदम धीरे धीरे चलाना मंडी, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी हिलता है तो ये कुछ फ्रेम गड़बड़ा जाता है, शायद ऐसा कुछ होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा और मैं फेसबुक पेज से लाइव हूँ, और कुछ नहीं, बस ऐसे ही जा रहे हैं। गांव आए हुए थे, गांव घूम लिए, अब जा रहे हैं। अरे कौन सा फिल्टर लगाया है महाराज, एकदम मेरा दांत पीला पीला लग रहा है इसमें। दांत जब मेरे इतना पीला है नहीं। कैसे हैं आप लोग? और गुड मॉर्निंग आप लोगों को, सूरज चौरसिया जी को गुड मॉर्निंग। और कुछ ऐसी चीजें मंडे जो हम अपने दोस्तों को दिखा सके, अपने यहाँ बिहार में, अपने यहाँ क्या बोलते हैं, जो खास है। खास तो मान लीजिए कि सब कुछ है, और खास बिहार इसलिए भी है क्योंकि बिहार में मैं हूँ। खैर, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगी, एकदम और धीरे चलो ताकि मैं बताते हुए चलूँ। एक चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, सामने में एक पुल दिखाई दे रहा है। आप लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कहाँ की हूँ, यूपी की हूँ, बिहार की हूँ। मैं जो है बिहार की हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ से कितना दूर बा हो, ये 1 किलोमीटर नहीं हुई है ना। बीच में एक पुल है, मैं देखिए, मैं उस पुल को शायद कैमरे में कैप्चर कर पाऊंगी। मैं दिखाती हूँ, सामने में एक पुल आप देख पा रहे होंगे शायद, ये दिख रहा है ना। ये जो पुल है, इसी को पार करने के बाद, जैसे अभी ये जो हमारी गाड़ी चल रही है वो बिहार में है हम, ठीक है। उसके बाद आगे जैसे ही वो गांव दिखाई दे रहा है जिधर मैंने कैमरा घुमाया हुआ है, वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। तो यूपी बिहार के बीच जो फासला है वो 1 किलोमीटर का है। और ये पुलिया जो है, बीच में कर्मनाशा नदी है, नदी की भी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जैसा कि मैंने दिखाया, उस सामने में एक पुल दिखाई दे रहा है, इधर में यूपी उधर में बिहार, ठीक है। उस पुल के माध्यम से यूपी बिहार का क्या बोलते हैं, कनेक्शन है। और नदी है बीच में, थोड़ा सा पुल पे ना, थोड़ा सा गाड़ी तुम धीरे करना, और यहाँ पे प्लीज धीरे चलाना, मुझे बहुत डर लगता है मंडी, ठीक है। यहाँ पे एकदम धीरे से गाड़ी ऊपर लेके जाना, और वो मैं आप लोगों को कर्मनाशा नदी भी दिखाऊंगी। और ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारा आम का बगीचा हुआ करता था, जहाँ पे अभी एक दो आधी दिख रहा है, जो कि क्या बोलते हैं, कट गया है, काट दिया है लोगों ने, बदमाशियां करी है। बाबू तुम यहाँ से प्लीज कॉल ना उठाओ, यहाँ पे पहले अच्छे से चलो, इसके बाद तुम कॉल वगैरह देख लेना। मैं आप लोगों को कर्मनाशा नदी दिखाती हूँ। ये जगह बास का लगे ले बड़ा सन हो कहो मंडी, ये बस कहाँ लगा? चेकिंग हो रहा। अच्छा, तो हम लोगों की भी चेकिंग होगी। हाँ, और शायद हम लोग चेकिंग करें, दारू ले जाए। नहीं भाई, हम लोग दारू नहीं है। खैर, आप लोग चेक कर सकते हैं। लाइव होगी तो बताओ। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, ये पुल है, और ये जो मैं आपको शायद नदी दिखा पा रही हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे गाड़ी ना बाबू, थोड़ा धीरे करना, मैं हम लोग को दिखाना है कितना शानदार। यहाँ पे थोड़ा सा तुम रोकना, मैं नदी दिखा सकूं, ताकि ये देखिए, ये नदी है, ये कर्मनाशा नदी है, और कर्मनाशा नदी के उस पार जो गांव दिख रहा होगा वो दाऊदपुर है, और यही वो नदी है। ये इधर नदी के इस साइड में बिहार है, और उस साइड में उत्तर प्रदेश है। तो अब देखिए, हम लोग जो है, अब ये जो सामने गांव दिखाई दे रहा है वो यूपी है, ये बीच में पुल है, और इधर जिधर से हम लोग आ रहे हैं वो है बिहार। तो यही है यूपी बिहार। बाकी बिहार में तो बहुत बढ़िया अब तक रोड मिलल है रउआ लोगन के। बाकी देखिए, यूपी में प्रवेश करते ही, अब देखिए मैं आप लोगों को, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ की जो सड़कें हैं आपके सामने है, ऐसा नहीं है कि कुछ हवा हवाई बातें मैं बता रही हूँ। ये लीजिए, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हमारा स्वागत है। उत्तर प्रदेश की उबड़ खाबड़ सड़क जो है हमारा स्वागत करती है। तो यही है, मैं लिख रहे योगी जी जिंदाबाद। बाबू प्लीज तुम मोबाइल ना देखो, क्या चाहते हो यार, क्या चाहते हो तुम, जान ले लोगे क्या मेरी,
नहीं नहीं मंडी ये एकदम गलत गलत बात है, तुम मोबाइल ना देखो, तुम यहाँ पुल से नीचे उतर रहे हो, तुम आराम से पहले उतर जाओ, फिर बढ़िया रोड मिली फिर बतियावत चली हो तुम, ठीक ना? गलत बात है, ऐसे नहीं चलना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं, और आप लोगों का गुड मॉर्निंग आ रहा है, जितने सारे लोगों का गुड मॉर्निंग आ रहा है भाई सबको गुड मॉर्निंग। एक बात बताओ मंडी, पहले हमने का गौवा हो रही बड़ा ऊख बोल जाते रहे, अब काहे नहीं खे बोल जा सपरते नहीं खे लोगों से, कहो हमनी का गांव का आदमी है तरह काहिल कही अले हो गई ना। पहले हम लोग जब छोटे छोटे से थे मंडी, पता ना हमनी का घर वा कूदे बड़ा ऊख बोल जाए ना, पता नहीं। अच्छा ये देखो मैं एक चीज और दिखाऊंगी लोगों को, दोस्तों मैं एक चीज और दिखाऊंगी, वो बोरिंग हो रहा है ना, मैं थोड़ा बोरिंग दिखाऊंगी, बोरिंग कैसे होता है शायद आप लोगों ने बोरिंग नहीं देखा होगा। ये मैं गांव की ऐसे गांव की गलियों से गांव के रोड से होकर जा रही हूँ, यहाँ भी थोड़ा गाड़ी रोकना, तो यहाँ गाड़ी रोकना, यहाँ रोक दो। ये जो सामने दिख रहा है आप लोगों को, सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ हो रहा है, ये जो है बोरिंग हो रहा है, कहो कम कहल जला मंडी, ये कहे नहीं खे जुम, कहे नहीं खे वो जुम होना चाहिए इसको, तो जुम होता है, रुको मैं देखती हूँ। हाँ ये ऐसे शीशा बंद है, आवाज़ तो वहाँ तक जाएगी नहीं, पर ये जो हो रहा है बोरिंग हो रहा है, और इसमें से यहाँ चापा कल लगा हो जाए ना, अच्छा समर्सिबल चाहे जो भी होगा, तो खैर यही है, और आप लोग ऐसे देख सकते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि शायद ही आप लोग देखे होंगे, बाकी ये रोड है, यही वो रोड है यही वो रोड है, देख लीजिए ये उत्तर प्रदेश आ गए हैं हम लोग। हाँ मैं अपनी मौसी को लेने जा रही हूँ, और मैं अपनी मौसी से मिलने भी जा रही हूँ, मेरी मौसी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी मौसी मुझे इतना प्यार करती है कि मेरी मम्मी से भी ज्यादा प्यार करती है, मतलब सच में बहुत ज्यादा प्यार करती है। एक बार मैं अब मौसी के यहाँ जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मेरी मौसी को दो दिन के लिए बनारस जाना था, एक बार जब मैं छोटी सी थी, बनारस या कहीं और जाना था शायद बनारस ही, तो मौसी अपने फ्रिज में अमावट छोड़ के गई थी, ठीक, और अमावट शायद हम तब पहली बार खाए थे, और भाई साहब एक डिब्बा अमावट था, और हमने जब अमावट टेस्ट किया तो बस एक डिब्बा मुझे लगता है 3-4 घंटे में मैंने पूरा खत्म कर दिया। मैं उस दिन खाना ही नहीं खाई थी, मुझे अमावट, मंडी अमावट खाए हो कभी? खाए ही नहीं हो भाई, तुम खाना आम पापड़ बोलते हैं उसको, इसे अमावट माने अमावा के ना जन पाकल अमावा रहे के चूस के करके गार के निकाल देवल जल जान ल, कपड़ा वपड़ा पे ऐसे फैला के सूरज का धूप लगा के ओकरा के सुखवा, जैसे पापड़ बने ला ना, अरे जैसे पापड़ तो चालू कर दो तब फिर ऐसी तरह गर्म ले ले बता, हम तो देख जैकेट पहने फिर भी वो गर्मी नहीं लग रही है, हम तो बोलेंगे मंडी खरीदलो मिले ला यार, लेकिन खरीदल का ढेर निक नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग अगर घर का अमावट खाए हैं भाई साहब तो बड़े लकी हैं आप लोग, तो हम तो पूरा खा गए थे, तो मेरी मौसी आई तो मौसी को भी पसंद ही रहा होगा, तभी अपने पास रखती थी रखी थी, तो मौसी ने बोला कि ए बचिया एक में कुछ रख ले रही माँ वट जाना तड़ू दो दिन बाद आई, तो मैंने कहा मौसी हम सारा खा गए हैं। मौसी भी बड़ा मतलब आश्चर्यचकित रह गई होंगी कि मैं एक डिब्बा अमावट एक दिन में भी नहीं मतलब कुछ घंटे में कैसे खा सकती, पर क्या है कि मेरे को अमावट बहुत पसंद है, मेरे को अगर अमावट मिल जाए तो फिर मैं खाना पानी बंद कर दूं सिर्फ वही खाऊं, लेकिन थोड़ा सा हाँ मतलब कोई भी चीज़ लिमिट क्रॉस करके नहीं करनी चाहिए, खाने की चीज़ें हो चाहे कोई भी चीज़ हो, पर मैंने उस दिन लिमिट क्रॉस कर दी थी, मेरे पेट में दर्द भी हुआ था, मेरी मौसी को डर ये था कि ये कहीं कुछ ज़्यादा ना बीमार हो जाए, होता है ना मम्मी मौसियाँ होती हैं ना वो, हम लोग चाहे जितने भी बड़े हो जाए वो हमको अभी भी हमको लगता है कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मैं 24 साल की हो चुकी हूँ, और मम्मी मौसियों को लगता है कि तुम बहुत छोटी हो। मेरी मौसी तो
कह रही थी तोहरा के पहला तेल हम ही लगले रही जब तू पैदा भइल रहो, क्योंकि हम पैदा भी उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं। जमानिया है, कोई नर्सिंग होम था, वहीं पे हम पैदा हुए थे। मैंने हूँ मैं बिहार के, हमारे पिताजी बिहार के हैं। मेरी मम्मी की शादी गाजीपुर से बिहार में हुई है, मेरी मम्मी गाजीपुर जिला की हैं। पर जो है मैं पैदा, मतलब होता है ना कि मम्मी को जब मैं होने वाली थी तो मम्मी नानी के घर आई हुई थी, और यहाँ नरसिंहपुर जमानिया में पैदा हुए थे। तो मौसी को लगता है कि अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ, मैं ना मेरी मम्मी लोगों को, जैसे मेरा भाई सबसे बड़ा है, इसके बाद मेरी दीदी है, इसके बाद मैं सबसे छोटी हूँ अपनी फैमिली में, अपनी मतलब मम्मी की संतानों में। काबू थोड़ा आराम से चल, ठीक है? एकदम 20 पे चलते हैं। हाँ हाँ, तू ऐसे ही चला एकदम कछुआ के चाल, ठीक है? तो मेरे घर वालों को लग रहा था कि मैं बेटा होऊंगा, ठीक है, मतलब होऊंगी, सॉरी। अरे होता ही है, घर वालों को यही लगता है अगर बच्चा होने वाला है तो आदमी ये नहीं कहता कि लड़की होने वाली है। हमारे यहाँ का लड़का होखे वाला बा, तो मेरी मम्मी को लड़का होने वाला था, यानी कि मैं होने वाली थी लड़की। पर मेरे घर वालों को, सब, मेरी दादी को खास कर ये उम्मीद थी कि बेटा होगा, बेटा होगा, पर मैं बेटी हो गई थी। तो हमारी मम्मी जो है दादी को एक तरह से ताना मारते हुए गोदी में दी थी और ऐसे बोलती, लल्ली ही बेटा भइबा। मतलब वो एक ताना ही था कि बेटा भइबा। और मैं जब पैदा हुई थी तो घर में जो है थोड़ी सी तो उदासी का माहौल देखिए था, इसलिए था क्योंकि एक बेटा था मम्मी के पास, एक बेटी भी थी, फिर एक बेटी आने का क्या मतलब है भाई। लेकिन अलग बात है कि भगवान, भगवान तो भाई हमको क्या पता है कि मैं बेटा हूँ बेटी हूँ, मुझे क्या पता। खैर मम्मी को भी क्या पता, लेकिन थोड़ा सा एक हो जाता है, अभी भी हो जाता है लोगों को, इतना पढ़ लिख जाने के बाद भी लोग बेटा बेटी को लेकर के चीज़ें ऐसी हैं। और ठीक है, तो मेरी मौसी जब हम पैदा हुए तो मेरी मम्मी को गोदी में इसे दे रही थी, जब मेरे को तो कह रही थी तो गोधाना जैसा लगा था। क्योंकि ना मैं बहुत मोटी पैदा हुई थी और मेरा नाक आंख का कुछ पता ही नहीं चल रहा था एकदम। मम्मी अभी भी कहती है कि चाइनीज लग रही थी, समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये इंडियन है। इंडियन बच्चा है, मेरी आंखें इतनी छोटी छोटी सी थी, नाक मेरा एकदम चपटा सा था, मैं समझ में ही नहीं आ रही थी। अभी तो एक फोटो भी है, मैं कभी आप लोगों से शेयर करूंगी, समझ में ही नहीं आता कि ये मैं ही हूँ, इतनी छोटी सी हूँ और भी इतनी बड़ी सी हो गई हूँ। जितना मेरा फेस है उतने में तो लग रहा है कि मैं, मेरा पेट आ जाता होगा उस टाइम पे, मैं इतना छोटा सा मेरा पेट था उस टाइम। अच्छा, एक जने लिख रहे हैं कि इस रास्ते से मैं बहुत आया हूँ, बिल्कुल आए होंगे, देख लीजिए, यही वो रास्ता है, ये उत्तर प्रदेश का रोड है, ये हमारा लागत है कि कहिए कैसा रोड बा महाराज, एकर कहिया भाग जाएगी कुछ पता नहीं है, ये वो रोड बा, देखी देखत जाए रहुआ लोग, यही पर लिख दे कुछ हम तो कहियन आदमी की झूठ बोलती है, ये तो योगी जी को बदनाम कर रही है। अरे भैया, हम योगी जी को क्यों बदनाम करेंगे और अखिलेश जी को क्यों बदनाम करेंगे, इस सामने रोड है, अपन जनता है, देख रहा है सामने में रोड, अब कब्बे ले आवत बनी खड़बच खड़बच मचौले बा, पीछे आवाज कर रहा बा, हमको बड़ा ऐसे रोड पर डर भी लगता है। तो ये रोड है, और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और का दिखा रही हूँ, मैं लाइव दिखा रही हूँ, आप लोगों को लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं क्या है यहाँ रोड का हाल। ए बाबू, आराम से चल, हमरा जाने लेना, हमार जीव हित चुकी हो, जनबे करे ला। तो खैर, अब मुझे लगता है कि हाँ सही बात है, लड़का लड़की एक समान ही होना चाहिए, पर ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे लाइव सेशन फिनिश करना चाहिए। मेरी मौसी का घर आ गया है और मैं जो है कमेंट बाद में मैं पढ़ूंगी भाई। मैं ना कमेंट बाद में पढ़ लूंगी, क्योंकि क्या बोलते हैं ऐसे ना, मुझे दिख नहीं रहा है, तो पहले मेरी गाड़ी भी इतनी हिल रही है, तो रहा है। बहुत ज्यादा खराब रास्ता बाबू, अजानत बड़ा मंडी, हमरा लागत था कि हम नरसिंहपुर 18-20 साल से आ रहल बानी, मतलब आ तो रहल बानी, मतलब 18-20 साल से, इसलिए क्योंकि 4-5 साल की थी तब से मेरे को, 5-6 साल की थी तब से मेरे को याद है कि मैं मौसी के घर जा रही हूँ, गाँव जा रही हूँ,
तो अब से हम नरसिंहपुर का रोड डेहुड़ी का रोड जौन बा हम ऐसने देखले बनी केन के आयल के गईल मायावती जी आके गईली अखिलेश जी आके गईले योगी जी हैं बाप रे बाप हर का रोडवा कब बनबे ना कर ली जमनिया का रोडवा कब सुधरबे ना कर ला दादा क्या चल रहा है भाई साहब। इसी पे नेहा सिंह राठौर कुछ बोल देंगी कुछ गा देंगी तो कई लोगों को मरीचा लेस देगा। अरे ये देखिए और कुछ देख सकते हैं आप ये जो सफेद कलर की पाइप दिखाई दे रही है ना इससे खेत हाँ। की सिंचाई करी जाती है सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। खत्म रोजगार बा एक जने लिखे हैं बाबा के दरबार बा हाथ रस के निर्णय जो लाइक के परिवार बा। खैर अब मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से टाटा।